शहर की सूरत बदलने लगी, खेतों की जगह बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगी, लेकिन इन इमारतों को बनाने वालों ने किसानों को परेशान कर दिया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। पहले किसान की करोड़ों की जमीन धोखाधड़ी कर कब्जे में ले लिया, फिर धमकी दी जाने लगी, लेकिन अब इस मामले में पीड़ित किसान जगदीश पालीवाल ने कानून की शरण ले ली है। उनका आरोप है कि इंदौर के विजयनगर में उनकी जमीन पर होटल में हिस्सेदारी देने के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर बेशकीमती जमीन हड़प ली गई और फिर जब अपना हिस्सा मांगने गए तो उन्हें भगा दिया गया। अब उन्होंने इस मामले में इंदौर के बड़े उद्योगपतियों के साथ साथ तत्कालीन आईडीए के अधिकारियों को भी आरोपी बनाया है। अभी कल परसों घिरने का प्रयास करा, पहले भी दो बार मेरे साथ इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी। उसके बाद परसों के दिन में कलेक्टर ऑफिस से आया और घर के बाहर गाड़ी खड़ी करी। जैसे ही मेरे पीछे एक गाड़ी कार आके रुकी तो स्वाभाविक है कि मैं बाउंड्री वॉल के अंदर चला गया था, तो मैंने गेट के अंदर से देखा कि कोई उन लोग आए, गाड़ी अपने यहाँ रुकती है तो लगता है भाई अपने ही आए होंगे कोई, तो मैंने देखा तो उसमें से कोई नहीं उतरा। करीब वो लोग घंटे भर खड़े रहे, तो मैंने एक अपने मित्र को फ़ोन करके बुलाया कि भाई आगे देखो ये गाड़ी खड़ी है काफ़ी देर से, इसमें किस टाइप के लोग बैठे हैं। आवेदन जो है वो आज हमारे कार्यालय को दिया गया है, जिसमें उन्होंने इस बात की जो है संभावना को व्यक्त किया है कि हाँ उनको जान का खतरा है और कोई सस्पेक्टेड लोग उनके पीछा कर रहे थे। चूँकि वो सस्पेक्टेड हैं और उनके पास इस बारे में अभी कोई स्पेसिफिक एविडेंस नहीं है कि वो कौन है, तो आई एम श्योर हम लोग जाँच करा के ये पता करने का प्रयास करेंगे और हर आदमी जो है इंदौर में सुरक्षित है और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की कोई अप्रिय घटना जो है उनके साथ ना हो या किसी के साथ भी इंदौर में ना हो। जहाँ तक उनकी विवाद की बात है, उसको इन्वेस्टिगेशन जो है ईओडब्ल्यू के द्वारा किया जा रहा है, तो आई एम श्योर उसका जो भी रिजल्ट आएगा और जो भी कानून में उसका सोल्यूशन होगा उसके आधार पर कार्रवाइयाँ होंगी।